मोतियाबिंद ऑपरेशन में अनियमितता मामले में जिला अस्पताल के दो डीएमएफ कर्मचारी जूनियर साइंटिस्ट अभिषेक मंडल और माइक्रो बायोलॉजिस्ट उमाकांत तिवारी को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले इसी मामले में नेत्र सर्जन, नेत्र सहायक अधिकारी और स्टॉप नर्स तीन लोगों को निलंबित किया जा चुका है। कुल पाँच लोगों पर कार्यवाही अब तक हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की जाँच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से ये घटना कहीं न कहीं एक मन को दुखी करने वाला घटना है और मैं जब से घटना की जानकारी मुझे मिली मैं तत्काल उन लोगों को मेकाहारम बुलवाया और जितने भी लोगों की ऑपरेशन हुई है अब चिन्हित करके सारे लोगों से मिलकर हमारे स्टाफ उन एक एक लोगों को देखेंगे। अगर कहीं भी दिक्कत है तो उनको लाने का सिलसिला भी जारी है और प्रथम दृष्टिया में हम लोगों ने रायपुर से स्टेट लेवल की जांच दल का गठन करके भेजा था। उसमें जो नेत्र चिकित्सक हैं उनकी गलती उसमें नज़र आई थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। उनके साथ जो सहायक हैं और जो वोट इंचार्ज हैं इनको भी उस दिन सस्पेंड कर दिया गया और बचे दो डीएमएफ से उनके जो और सहयोगी हैं जिनका देखरेख का काम रहता है उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। अभी जांच और चल रही है, इसमें और भी जिनके भी दोष होंगे उन सब लोगों को भी कार्रवाई करेंगे। और इससे महत्वपूर्ण चीज़ हमको जो मरीज हैं उनकी चिंता है और उसको विशेष रूप से उनको केयर में रखकर हम मेकाहारम इलाज भी करवा रहे हैं। एक वार्ड ही अलग से कर दिए हैं पूरा सेटअप। हम बाहर से भी चिकित्सकों से बातचीत कर रहे हैं और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार और बाहर के भी डॉक्टरों से संपर्क में हैं ताकि उनकी आँखों को हम पुनः रोशनी दे सकें। रायपुर से राघवेंद्र पांडेय की रिपोर्ट।